चुनावी बॉन्ड मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने SBI को राहत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SBI कल तक ही जानकारी दे और 15 मार्च तक चुनाव आयोग उस जानकारी को सार्वजनिक करे। SBI ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की मांग की थी। SBI की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में वरिष्ठ वकील हरीश सालवे पेश हुए हैं। सालवे ने कोर्ट को बताया कि सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद SBI ने नए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स जारी करने पर रोक लगा दी है, लेकिन समस्या ये है कि जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जारी हुए हैं उस पूरी प्रक्रिया को पलटना होगा और इसमें समय लगेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने SBI की दलील मानने से इनकार कर दिया और कल तक ही जानकारी देने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि आप कह रहे हैं कि दानदाताओं और राजनीतिक पार्टियों की जानकारी सील कवर के साथ SBI के मुंबई स्थित मुख्य शाखा में है। मैचिंग प्रक्रिया में समय लगेगा, लेकिन हमने आपको मैचिंग करने के लिए कहा ही नहीं था और हमने सिर्फ स्पष्ट डिस्क्लोजर मांगा था। मामले पर सुनवाई कर रही संविधान पीठ के सदस्य जस्टिस खन्ना ने SBI के वकील हरीश सालवे से कहा, आपने बताया कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की पूरी जानकारी एक सील कवर लिफाफे में रखी गई है, तो ऐसे में आपको सिर्फ सील कवर खोलकर जानकारी देनी है। CGI ने SBI को फटकार लगाते हुए कहा, हमने 15 फरवरी को आदेश दिया था और आज 11 मार्च है, बीते 26 दिनों में आपने क्या किया? ये बताया जाना चाहिए कि यह काम हुआ है और हमें और समय चाहिए। हम SBI को स्पष्टवादिता की उम्मीद करते हैं। इस पर SBI के वकील हरीश सालवे ने कहा कि अगर आप मैचिंग नहीं चाहते तो हम 3 हफ्ते में पूरी जानकारी दे सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने SBI की दलील मानने से इनकार कर दिया है और SBI को कल यानी 12 मार्च तक जानकारी देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें SBI बैंक ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी साझा करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की मांग की है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आज ही NGO ADR की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें SBI के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। ADR की याचिका में आरोप लगाया गया है कि SBI ने जानबूझकर सर्वोच्च अदालत के आदेश का उल्लंघन किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि SBI 6 मार्च तक इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को दे और चुनाव आयोग 13 मार्च तक उस जानकारी को सार्वजनिक करे। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। पीठ में जस्टिस DY चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवाई, जस्टिस JB परदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। बीती 15 फरवरी को 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र की इलेक्ट्रॉल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड योजना के एकमात्र फाइनेंशियल संस्था SBI बैंक को 12 अप्रैल 2019 से अब तक हुई इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की खरीद की पूरी जानकारी 6 मार्च देने तक का आदेश दिया था।